हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो पहले हम चावल को धो लेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 1.5 कप बासमती राइस लिया है। और अभी 2 से 3 बार चावल को अच्छी तरह से हम धो लेंगे। चावल को हमने अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगो के रखा है 10 से 15 मिनट के लिए। और अभी हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम चिकन, और अभी चिकन में हम डाल देंगे 2 चम्मच बिरयानी मसाला, साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक। एक चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 और अभी मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अभी इनको हम रेस्ट पर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। चिकन जब तक रेस्ट पर है तब तक हम अनियन फ्राई कर लेते हैं। तो गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को चूल्हे पर बिठा देंगे। कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 4 किए हुए प्याज। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप कर लिया है। और अभी प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमें फ्राई करना है। तो देखिए हमारे अनियन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी इनको हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। 15 मिनट हो चुका है। अभी हम चावल को बॉईल कर लेते हैं। तो चावल को कुक करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में लिया है पानी, लगभग 3 गिलास पानी हमने यहाँ पे लिया है। और अभी पानी में हम डाल देंगे 1 क्रश्ड बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 हरी इलायची। और अभी पानी में 1 उबाल आने देंगे। तो देखिए पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हम डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद साथ ही में हम डाल देंगे
एक चम्मच नमक, और अभी चावल को हमें पकाना है 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि ना ये 70% तक कुक हो जाए। चावल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है वरना बिरयानी बनाने के वक्त वो गल जाएंगे या टूट सकते हैं। चावल लगभग 70% तक कुक हो चुका है, अभी इनको हम पानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए चावल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अभी चावल को हम ठंडा होने देते हैं, ये जब तक ठंडा हो रहे हैं तब तक हम बिरयानी बनाने के लिए बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो जिस कढ़ाई में हमने अनियन को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, साथ ही में डाल देंगे 1 क्रश्ड बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च, जावित्री का टुकड़ा और 2 तेज पत्ता। और अभी इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। साबुत मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अभी हम डाल देंगे प्याज के टुकड़े। यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप कर कर लिया है। साथ ही में डाल देंगे टमाटर के टुकड़े, यहाँ पे हमने 1 बड़े साइज के टमाटर को टुकड़ों में काट कर लिया है। टमाटर डालने के बाद अभी हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच चॉप्ड अदरक, 3 बड़े चम्मच चॉप्ड लहसुन। और अभी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि ना सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाए तब तक। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन चुके हैं, अभी हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को आप जितनी देर तक भुनेंगे उसका टेस्ट बिरयानी में उतना ही अच्छा आएगा। तो अभी हम इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट हो चुका है, अभी हम ढक्कन उठा लेंगे। तो चिकन को थोड़ा सा चला लेते हैं। चिकन को हमें और 15 मिनट तक भुनना है ऐसे ही चलाते हुए, जब तक कि ना चिकन में से तेल अलग होना शुरू हो जाए तब तक। तो देखिए चिकन से तेल निकलना शुरू हो गया है। अभी हम डाल देंगे आलू के टुकड़े, यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज के आलू को टुकड़ों में काट कर लिया है। और अभी आलू डालने के बाद इनको 2 से 3 मिनट तक हम भुनेंगे। तो अभी हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी, लगभग 2 गिलास पानी हम यहाँ पे डाल रहे हैं।
और अभी हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी इनको ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो चिकन को और 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। तो अभी हम बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे चिकन की ग्रेवी। चिकन की ग्रेवी डालने के बाद इसके ऊपर हम चावल डाल देंगे हल्के हाथों से। चावल रखने के बाद अभी चावल के ऊपर हम चिकन और आलू के पीसेस डाल देंगे। और अभी हम डाल देंगे 1 चम्मच केवड़ा वाटर, साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच रोज वाटर। रोज वाटर डालने के बाद अभी हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ अनियन। अनियन डालने के बाद अभी हम 1 चम्मच बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करने के बाद फिर से हम चावल की लेयर बना लेंगे। और अभी फिर से चावल के ऊपर चिकन डाल देंगे। तो अभी फिर से हम डाल देंगे 1 चम्मच केवड़ा वाटर और 1 चम्मच रोज वाटर। और अभी हम डाल देंगे 1/2 चम्मच बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डालने के बाद हम डाल देंगे फ्राई किए हुए अनियन और चॉप्ड धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते डालने के बाद अभी हम फिर से चावल की लेयरिंग कर लेंगे। तो अगर आप लोग चाहें पुदीना के पत्ते भी चॉप्ड करके डाल सकते हैं। तो अभी लास्ट में हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ अनियन और चॉप्ड धनिया के पत्ते। तो अभी हम फिर से गैस को ऑन कर लेंगे और गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे। और अभी कढ़ाई को चूल्हे पर बिठाएंगे और इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट हो चुका है, अभी हम ढक्कन उठा लेंगे और गैस को बंद कर लेंगे। तो देखिए गर्मा गर्म बिरयानी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वाली रेसिपी बहुत ही पसंद आया होगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।